ऐसा कहते हैं कि जितना दबोगे उतना दबाया जाता है, और एक तरफ अपना धर्म कहता है जो हो रहा है उसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वच्छ स्वीकार करो, तो क्या सही है और क्या गलत है? दबो मत सहो, दबोगे दबाया जाएगा, ये वाक्य अपनी जगह सही है, पर जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे, इससे ज़्यादा सही। दबना और सहना में बड़ा अंतर है। दब जाना यानी परिस्थितिवश मन महसूस कर रहना, अब ठीक है क्या करे, सामने वाला हमसे भारी है, कोई उपाय नहीं, कड़वी घूंट पी के रह गए, वो अंदर से दुखी है, वो दब रहा है और कभी खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के साथ कुछ प्रतिकूल प्रसंग है, किसी का प्रतिकूल व्यवहार है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति, पर उसे अपना कर्मोदय मानकर क्षमता से सह रहा है तो समर्थ है, वो दब्बू नहीं है, वो क्षमावान है, वो सहिष्णु है, वो बहुत ताकतवर है। किसी की बात का प्रतिवाद करना बड़ा सरल है, पर किसी की बात को सह लेना बहुत कठिन है। तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, सामने वाले की बात से प्रभावित होकर चुप रहना दब्बूपन है, और सामने वाले की बात से अप्रभावित होकर नज़रअंदाज कर लेना सहनशीलता है। उससे नज़रअंदाज करो, वो कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्तियों ने गाली दी, एक व्यक्ति तीन व्यक्ति को खड़ा करता हूँ, तीन व्यक्ति और तीन व्यक्तियों को अलग अलग लोगों ने गाली दी, एक व्यक्ति ने गाली के प्रतिवाद में 10 गाली सुना दी, उससे उलझ पड़ा, दूसरे व्यक्ति ने देखा कि गाली देने वाला पहलवान है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, वो चुप रहा, और तीसरे व्यक्ति ने गाली दी वो मुस्कुराता रहा, उसे सुनाई नहीं, किसको अच्छा मानोगे? जिसको सुनाई नहीं। हाँ, जिसको सुनाई। ताकतवर कौन है? जो मुस्कुरा के चला गया, सुनाई। समझ गए, बस यही सहनशीलता की ताकत है। वाह। प्रतिवाद प्रतिक्रिया प्रतिकार मनुष्य को कमजोर बनाता, दब्बूपन भी एक वो सहनशीलता नहीं, समय के साथ समझौता है, परिस्थिति के साथ समझौता है, जो व्यक्ति को भीतर से कुंठित करता है। लेकिन सहनशीलता वह सहिष्णुता का द्योतक है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। मजबूत बनिए, आगे बढ़िए।